Hello, assalamu alaikum. Welcome back to the Noble Kashmir channel. My name is Tahir and आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा. एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है. हम क्या करेंगे कि जो वाटर है, वाटर में हम दो वायर्स लगाएंगे और फिर देखेंगे कि जो है हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा कि नहीं. इन एडिशन टू दिस मैं वाटर है, वाटर में मिक्स करूँगा कॉमन साल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टीज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी. एक्चुअली क्या होता है कि जो साल्ट उसको जब हम डिसोसिएट करते हैं वाटर में, वो डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. कौन सा साल्ट मैं बात कर रहा हूँ? NaCl, सोडियम क्लोराइड, या जिसको हम घर पे यूज़ करते हैं एज फॉर द वेरियस पर्पजेज. कश्मीर है तो फिर कश्मीर ऑब्वियसली जो है हम इसको नून चाय में जो है यूज़ करते हैं, सालन में भी यूज़ करते हैं, वेरियस पर्पजेज फॉर इट इज़ यूज. इसको मैं डिजोल्व करूँगा वाटर में एंड फिर मैं देखूँगा कि बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा. होगा तो मेरे पास कुछ सामान इस वक्त मौजूद है. ये मैंने लाइट बल्ब लाई है, ये वाटर है एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट नून यथ कशिर पचवान. वो है हमारा एक्सटेंशन बॉक्स. अभी कुछ देर में एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट हो. सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. मेरे पास एक वायर है, ये वायर मेरे पास है. इस वायर को मैंने दो जगह कट किया है. दिस इज बल्ब एंड यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंशन बॉक्स में जो है फिक्स करता हूँ. ये मेरे पास वायर है. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट वाटर. ये मेरे पास है बल्ब. हियर इट इज बल्ब. बल्ब फिलहाल चल रही है. इसके ऊपर भी ट्राई कर लेता है. सो इसको हम पहले ऐसे रखेंगे. ये मेरे पास वाटर है. वाटर के मैं थोड़ा सा नमक डालता हूँ एंड आई विल मिक्स इट थोरली. मिक्स भी हो गया हमारा वाटर. सो एवरीथिंग इज फाइन. दिस इज वाटर. ये एक और पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कंडीशन चल रहा है. ये रही बल्ब. दिस इज सोडियम वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर. नून आ गया था इसमें आप सकते हैं इसमें. सो द एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ. यानी कि वाटर में जब हम सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो फिर क्या बन जाती है? एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाती है. इलेक्ट्रोलाइट जब क्या होता है कि जो NaCl होता है इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो फिर डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. फिर इन आयंस की वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वाटर में करंट फ्लो करती है. दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट. चलिए हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक या फिर व्लॉगिंग के साथ. बाय बाय.